सो हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस पाल वर्ल्ड का। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे चैनल पे, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में थैंक्स का बटन है, वहां से आप सपोर्ट कर सकते हो। या तो आप लोग चैनल पे मेंबर बन सकते हो सब्सक्राइब के साइड में जो ज्वाइंट का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके। सो चलो गाइस आज का पाल वर्ल्ड का एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग ने ये मोटू सा किंग पाका जो बॉस है उसको कैप्चर करने का काम करा था, जो भाई अपना मोटू सा जो गाइस शरीर है ये हवा में उड़ा के जंप मार के किसी को भी चपाती की तरह जो ना गाइस चपटा कर देता है। देखना चाहोगे? चल रुको रुको, इसका अटैक जो ना गाइस वो चार्ज होने में लेकिन बहुत टाइम लगता है यार। इसका अटैक है तो ओपी, ये देखना अभी देखो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो इसको भाई, ये दीवार में अटक गया भाई, दीवार में अटक गया और इसका मुंह लगा नहीं। ये देखो देखो मेरे से जितने बॉसेस कैप्चर होंगे एक एक करके मैं सारे बॉसेस को कैप्चर करने का काम करूंगा। बॉल्स बोले तो 5 पड़े हैं मेरे पास, सीधा बॉस के पास ही चले फिर। ये रहा बॉस, चलो आ जाओ। मुझे पता नहीं आगे इसकी वो बॉस कितनी ज्यादा पावरफुल है, खतरनाक है, बट मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूँ सीधा। मेरे पास एरोस कितनी बची है, 29, ज्यादा एरो नहीं बची है मेरे पास। उधर जाना है ना, उड़ उड़ के जाएंगे। हमारे पास जो है अपना नीटविंग तो पहले से ही है, चला जाओ भाई। नीटविंग तो अपने पास अपना पहले से ही पड़ा हुआ है। वो रहा है गाइस वहाँ पे बॉस। ओ यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है, रुइंस वगैरह पे आया गाइस हम लोग कहीं पे। तो यहाँ पे रात कीड़े कुछ ज्यादा ही जो ना गाइस क्यू की कर रहे भाई। ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले तो मैं इसको उठा लेता हूँ। ये कोई तो फ्यूचरिस्टिक वो लग रहा है, पता नहीं यार क्या है। ओ यहाँ पे गाइस ये भी मिल रहे हैं मेरे को, ठीक है रुको इसको भी उठा लेता हूँ। और गाइस यहाँ पे हमारा बॉस है, इस बॉस को मारने नहीं कैप्चर करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। आर यू गाइस रेडी? पहले तो किंग पाका को उतारूंगा। हमको किंग पाका की जो गाइस पावर है गाइस शक्ति है वो चेकआउट करनी है ना गाइस, ठीक है। किंग पाका गो गो किंग पाका लेट्स गो आक्रमण, जा चपाती बना दे उसकी। आई पॉट से चपाती बन गई, अरे नहीं बना पाए चपाती यार। अरे व्हाट, वाओ वाओ डैम पावरफुल है। ओ शिट किंग पाका तू नहीं मार पा ना तो मेरी बैंड बजा दी गई यार। वो किंग पाका उसकी बैंड बजा दे, मेरा शील्ड भाई आर्मर भाई टूटा। अरे बाप रे, बहन जी हमारे ओ शिट आर पार किंग पाके तू मरवा देगा मेरे को लग रहा भाई। मैं आरो ज्यादा लेके नहीं आया हूँ भाई। बहन जी जरा मार रही है बहन जी ऐसा काय कर रहे हो तुम भाई। किंग पाका को लगे भाई, मेरे को ना लगे कोई बॉल। शील्ड मेरी रिपेयर नहीं हो रही है। किंग पाका बचा ले मोटू, जंप कर इसके ऊपर, चपाती बना इसकी। अब मेरी चपाती बना देगी बहन जी। अरे मार रही है, बाप रे, पूरा शील्ड उड़ा दिस। किंग पाका मुझे नहीं लग रहा खास कुछ कर पा रहा। चलो ओ शिट कम ऑन यू कैन डू इट। फायर अटैक दे अपना, 26 डैमेज भाई साहब, डैमेज काफी कम पड़ रहा है। मुझे अपना बेस्ट डायनो जो है गाइस, बेस्ट पैल जो उतारना पड़ेगा। आर्मर उड़ा रही है। ये किंग पैका से ज्यादा डैमेज डील कर रही है, ये बात तो माननी पड़ेगी। किंग पैका से ज्यादा डैमेज दे रही है भाई। हेलो, अरे मार ही डाला यार भाई। किंग पैका को स्टार्टिंग में उतारना हमारी बहुत ज्यादा बड़ी जो है ना कि गलती यहाँ पे साबित हो गई भाई। किंग पैका ने ज्यादा डैमेज नहीं दिया यार। ए भाई वो मार देगी, जल्दी रुको, वो डंजन में उस बॉस को ना मार दे यार भाई। यार किंग पैका को स्टार्टिंग में उतारना हमारी जो है ना कि बहुत ज्यादा बड़ी गलती साबित हो गई यहाँ पे। चलो कोई ना, मैं इस बार जाकर जो ना कि उसको भाई इजिली कैप्चर कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डंजन में हम लोग जा रहे वापस से, ठीक है।
इस बार मैं पावरफुल वाले पाल को उतारता हूँ। मुझे देखना था किंग पाका गाइस क्या क्या कर सकता है, मुझे पता चल गया वो क्या क्या कर सकता है भाई। खास उतना ज्यादा कुछ खास गाइस मुझे लगा नहीं, अगर मैं सच बताओ तो किंग पाका, हाँ उसका भाई डैमेज तो है बट उतना ज्यादा नहीं। हम कैटरेस जो है गाइस वो उससे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। और अभी मैं कैटरेस से पाए वो नहीं लूंगा। अबे यार ये लोग कहाँ से गए यहाँ पे, अलायंस वाले, ये अलायंस वाले भाई उंगली करेंगे मेरे को बीच में, ठीक है। ओके नाउ यस आई वांट टू गो इनटू द डंजन। रॉबिन क्विल दिखा जलवा, चल चल दिखा जलवा। बहन जी को थोड़ा सा नरमी से मारना रॉबिन क्विल, ज़्यादा नहीं मारना रॉबिन क्विल, हाँ ज़्यादा नहीं मारना रॉबिन क्विल से पंगा बेटा पड़ जाएगा महंगा। रॉबिन क्विल को धो रही है रॉबिन क्विल मैडम जी, रॉबिन क्विल को धोएगी, रॉबिन क्विल को मार रही है यार ये, दम तो इसने मारना पड़ेगा। रॉबिन क्विल की बैंड बजा के रख दी थोड़ी सी इसने, शिट मैन डैमेज बहुत ज्यादा डील कर रही है ये रॉबिन क्विल भाई, कुछ तो कर ले। नाइस डॉज डॉज, ओके काफ़ी बढ़िया डॉज, काफ़ी बढ़िया अच्छे से चल रहा है इस काम अपना। ग्रास टाइप तो फायर टाइप काम आ जाता बट मेरे पास कोई फायर टाइप है नहीं अभी फिलहाल के लिए, मैं घर पे रख के आया हूँ ग्रास टाइप के अगेंस्ट। फायर टाइप काफ़ी अच्छे से काम आता है, इसको मुझे अपने नज़दीक ले आने नहीं देना है किसी भी कीमत पर। ये नज़दीक आ गई ना तो मेरे को मार देगी गाइस, ठीक है। इन बॉल से कैसे बचना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है काफी बढ़िया। आदिल डाउन करते, कैटरेस भाई बहुत ज्यादा गंदा मार रही है ये क्या डार्क डार्क अटैक, ओ शिट इसके मुंह पे कुछ तो डार्क डार्क हो गया था वही देखने के चक्कर में, मेरे आर्मर की बैंड बच गई, ठीक है इससे बचना है। 1 2 3 ठीक है 1000 हेल्थ, 200 तक हेल्थ लेके आएंगे हम लोग, ज्यादा नहीं 200 तक गाइस, ठीक है संभल के इसके अटैक्स देख के, हाँ इसके अटैक्स देख के। नहीं 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 नजदीक आ रही है ये, ये इसका ग्रास वाला अटैक बहुत खतरनाक है यार, इसका ग्रास वाला अटैक बहुत खतरनाक है। ऑलमोस्ट 600 तक आ चुके मेरे एरोस खत्म, ड्यूड आर यू कॉमेडी मी, मेरे एरोज खत्म हो चुके हैं, बस अभी मुझे इसके अटैक्स डॉज करने, बस मुझे इसके अटैक डॉज करने, कम ऑन मार, काफी बढ़िया 600, कम ऑन ब्रो अटैक कर, ज्यादा डैमेज नहीं देना भाई ठीक है टॉम बैट, कितने चांसेस है 4%, 4% तो मुझे नहीं लग रहा खास कुछ होने वाला है। डैमेज दे टॉम्बैट, शिट टॉम्बैट टॉम्बैट कम ऑन 400 टॉम्बैट कम ऑन, कुछ तो कर ले भाई 400 कम ऑन ड्यूड यू कैन डू इट भाई, 200 तक खेलते लेके आप आके तो भाई, ओह शिट ये वो वाला अटैक डालने आ रही है, वो बच गया मैं उसके अटैक से, उसके अटैक से बच गया गाइस, इसलिए भाई हमेशा भाई आमोस लेके आनी है साथ में, वरना ऐसी हालत हो जाती है मैं कुछ नहीं कर सकता अभी यहाँ पे बस बैठे रहने के अलावा। 200 एल थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और टॉम्बेट कम ऑन यू कैन डू इट, टॉम्बेट कर रहा है 180 5% चांसेस, ओके और थोड़ी डाउन कर ले टॉम्बेट, ठीक है 150 140 कम ऑन 120 थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और 100 प्लस 100 से थोड़ा कम 90 एक और पटका मार उसको ज्यादा नहीं एक नाइस nice.
मेगा बॉल गीगा बॉल ट्राई कर रहा हूँ गाइस, आई एम ट्राइंग गीगा बॉल, ठीक है गाइस, गीगा बॉल ट्राई कर रहे हैं, 13 गीगा बॉल है। व्हाट ग्यारह बचे, मारने के लिए रेड। ओ यस लेट्स गो, कैप्चर कर लिया फाइनली इसको, यार बहुत डिफिकल्ट था भाई इसको कैप्चर करना, एरो वगैरह सब खत्म हो गई थी, बट फाइनली गाइस हम लोग ने इसको कैप्चर कर लिया, पहचान लिया को। भाई 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 इसके अटैक्स, भाई इसके अटैक बहुत खतरनाक थे यार, बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। आर्मर पैल इन्यूरिटी मंगरी, भाई खा ले भाई पैल, जो भी हंगरी है खाना खा लो, खाना खा लो, यहाँ पे और कुछ तो नहीं है ना, निकल लेता हूँ। चलो फाइनली कैप्चर कर लिया गाइस मैंने इसको, बल बल सावा गाइस, ठीक है चलो अभी चुपचाप से घर पे चलते हैं। भाई मजा आ गया यार भाई इसको कैप्चर करने में, लेकिन बाहर तो बच गया हमारे। ए भाई इधर आ जा भाई, आर्मर वगैरह डैमेज है, घर पे जाके पहले आर्मर वगैरह जो है वो रिपेयर कर लूँ मैं यहाँ पे। हाँ मैं तो थक गया भाई साहब, अभी चलो चुपचाप से गाइस घर पे जाता हूँ। एंड वो वाला बॉस गाइस अनलॉक हुआ होगा क्या गाइस? अभी मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पता है क्या कन्फ्यूजन है? देखो आप मुझे बताना गाइस कमेंट करके, नीचे कमेंट करके आपको बताना है। देखो मैं ग्रास टाइप सेम पैल्स मेरे इन्वेंट्री में दो दो नहीं रह सकता, ठीक है पहले तो मुझे आर्मर को अपग्रेड वो करने दो, रिपेयर गाइस, ठीक है रुको उसके लिए मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ए भाई ये सो बना के रख लो यार, कोई तो आके रुक जाओ गाइस, ये क्लोज बनाने दो किसी को तो आके यहाँ पे, ये क्लोज बनाने का काम तू कर ले, चल कर ले आराम से कर ले, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में कर लेगा, आर्मर को रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैं ये बोल रहा था कि हम दो ग्रास टाइप पैल्स को अपने इन्वेंट्री में नहीं रख सकते गाइस, ठीक है, क्योंकि देखो ये वाली जो पैल है मेरी ये ओ ये डार्क टाइप है कैट्रस, मुझे लगा ये ग्रास टाइप है, और अभी हम लोग ने जो कैप्चर करी वो कहाँ पे पैल ये रही, ओ ये ग्रास टाइप है, ठीक है। तो मेरे पास ओ यार मेरे पास रॉबिन क्विल भी है ग्रास टाइप गाइस, 28 लेवल 2000 डैमेज 336 इसका, पर डैमेज तो भाई हमारे रॉबिन क्विल से हाई जा रहा है, इसका डिफेंस 305, रॉबिन क्विल का तो 190 डिफेंस है, वर्क स्पीड 70, और इसकी वर्क स्पीड कम है थोड़ी सी, चलो भाई मानता हूँ मैं गाइस। क्या करा जाए, ये पेचा लिया जो है, पटा लिया भाई जो भी है, ये भाई पटियाला भाई, ठीक है ये पटियाला जो है गाइस इसको हम लोग यहाँ पे लगाए है रॉबिन क्विल के, नहीं एक काम करता हूँ किंग पाका को हटा देता हूँ, किंग पाका वैसे भी किसी काम का नहीं, हम लोग ने देख लिया ये काफ़ी ओपी है गाइस, किंग पाका को काम क्या कर सकता है, ये काम कर सकता है क्या खाली, तो इसके लिए काम भी नहीं है यार हमारे बेस पे किंग पाका के लिए, सच बताया तो इसके लिए काम भी नहीं है, मुझे किंग पाका चुने के उतना ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं है, ठीक है। मैं आपको भाई जो हमारी नई पाल है ना वो भी दिखाता हूँ, पहले जाके मैं सो जाऊँ। अंडा हैच हो चुका होगा, यस अंडे में से देखते हैं कि कौन सा वाला पाल हम लोग को मिलता है, शायद से वही पुराना वाला वापस से, हाँ यस डे ड्रीम हम लोग को मिल चुके हैं, रुको मैं फटाफट से जो अंडा है गाइस एक और यहाँ पे हैच करने के लिए डाल देता हूँ। 94 बॉल्स है मेरे पास, ओके ये वाले बॉल में यहाँ पे रख लूँ, ये यहाँ पे डाल दूँ, और ओ मुझे गाइस ब्यूटीफुल फ्लावर्स मिल गए, ठीक है चीज़ों को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, जो एक का डबल अपने पास चीज़ है उनको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। एक अंडा यहाँ से उठा लेता हूँ, ओके चलो मैंने एक अंडा उठा लिया, इस अंडे को फटाफट से हम लोग यहाँ पे हैच करने के लिए डाल देते, ठीक है चलो इसके लिए 6 मिनट लगेंगे। चलो अभी मैं फटाफट से सो जाता हूँ गाइस यहाँ पे, और मैं सवेरा होते आपको जो नई हमारी पैल है उसकी पावर दिखाता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ ये क्या कर सकती है। इसका सैडल वगैरह कुछ है क्या, रुको मुझे इसको पहले बाहर निकालने दो, इसका कोई सैडल है वो ब्लेसिंग ऑफ द फ्लावर स्प्रिट, मतलब ये क्या कर सकती है, हीलिंग टाइप है ये पैल, वो ये हीलर है गाइस, ब्लेसिंग ऑफ द फ्लावर स्पिरिट, ये कर क्या रही है, इसे जा का कर रही है ये, ओ ये सीडिंग कर रही है, प्लांटिंग कर रही है, ये गाइस हीलर है, ग्रास टाइप प्लस हीलर, और क्या क्यूट लग रहे देखना, ओ भाई ओ क्यूटी भाई गाइस, इसको मैं साथ में लेके जाऊंगा भाई, ये देखना तो कितनी क्यूट है भाई ये पैल, रुकना 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 मैं इसको भाई वो करूँगा, इधर आ जी इधर आ, पेट पेटा लिया, ओहो पेटा लिया मेरी क्यूटी पाई, कितनी क्यूट है यार ये,
इधर आ इधर आ। फिर भाई तेरे तुझे कुछ खाना है बेटा, ले ले। किसे खा रही है? कितने क्यूट है यार। नहीं नहीं नहीं, ये काम करने की जरूरत नहीं, इस काम के लिए बंदर है यार। तुम्हारी स्पेशल पहले चला जा जा। गाइस रुको रुको, ये क्या क्या कर सकते हैं जरा देखा जाए यार। रॉबिन क्विल है ओपी यार, लेकिन रॉबिन क्विल से ज्यादा डिफेंस और ज्यादा डैमेज। ठीक है, पैल से भी दूर दूर भागने लग गए। टोको टोको को मारता हूँ भाई, टोको टोको की गांग को मारता हूँ। जाओ टोको टोको को मार दियो। ओ ये तो ऑटोमेटिक फॉलो करने वाला है ना वो अटैक इसका। ये ऑटोमेटिक फॉलो वाला अटैक है। और क्या कर सकती है? ये वाले अटैक ने तो मेरी बैंड पे जाके रख दी थी वैसे। और कौन कौन से अटैक है? ये ऑटोमेटिक गाइस टारगेट लॉक करके जाएगा, कहीं पे भी भागे टारगेट लॉक करके। भाई ये देखो देखो फटने के लिए आ गया। फक लाड में आ रहा था टोको टोको का। ये स्पेशल अटैक है गाइस। ये लोग जो ना गाइस यहाँ पे बम की तरह फट जाते हैं। ठीक है, मार दो इसको, मार दो टोको टोको को, मार 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 मार। इसका डैमेज उतना ज्यादा मुझे हाई लग नहीं रहा, बट ठीक है यार, इसको थोड़ा चला के देखते हैं। ठीक है, इसके पास कुछ अटैक्स है। इसके पास विंड कटर भी है गाइस, अगर चाहे तो। एक्वा गन है, विंड कटर है। गाइस मैं इसको कोई अटैक लर्न कराऊं? गाइस रुको, हाँ रुको, यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे जो ना कैसे एक पेड़ है भाई। इधर इधर यहाँ पे एक पेड़ है। निटविंग मुझे चाहिए तो सही, निटविंग निटविंग कैप्चर कर लूँ गाइस। मैं निटविंग को कैप्चर करने का मन कर रहा था कि अपने वाले निटविंग को मैं थोड़ा अपग्रेड कर सकूँ। यहाँ पे एक पेड़ है, उस पेड़ से मुझे फ्रूट उतारने हैं और मुझे उसमें ग्रास टाइप फ्रूट जो है ना कैसे मिल रहा है क्या देखना है। उससे मैं अपने पाल को जो है ना कैसे ग्रास टाइप अटैक सिखा सकता हूँ। ओह नहीं यार, नहीं है। यहाँ पे मैंने जो फ्रूट यहाँ से निकाले थे वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। ठीक है रुको, ये संडे को उठा लेता हूँ मैं फटाफट। रॉकेट चला जाते, चलो हम लोग अभी फटाफट से जो है ना कैसे आप घर पे चलते हैं। और घर पे चल के मैं देखता हूँ मेरे पास ऐसा कोई जो है ना गाइस पड़ा हुआ है क्या फ्रूट, जिससे हम लोग ग्रास टाइप मूव्स चेंज कर सके। हम लोग हमारे पैल्स को जो है ना गाइस नए नए मूव सिखा सकते हैं। सो मैं इसको जो है ना गाइस कोई ओपी सा ग्रास टाइप मूव सिखाना चाहता हूँ। इसके पास अटैक काफ़ी बढ़िया है, मैं वापस से आपको दिखाता हूँ। चलो मार रहे इसको, मार दे इसका मेन स्पेशल। ये देखो ये अटैक जो है ना गाइस ग्रास टाइप वाला, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इसका। ये काफ़ी पावरफुल अटैक है। आ जा पेटालिया यार, मुझे एक भाई दौड़ने वाला भी पैल चाहिए। ठीक है, जो मुझे भाई यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी जल्दी लेके जा सके। यार क्या खूबसूरत लग रही है भाई ये पैल, सच में भाई काफ़ी खूबसूरत पैल है ये। इधर आइयो इधर आइयो, फेट करता है इसको। आ जा आ जा, ये देखो कितने क्यूट है भाई ये, क्यूट तो है भाई कुछ भी बोले। चलो इसको मैं घर पे लेके चलता हूँ। और ये ब्लेसिंग जो है ना, ये मेरे डायनो को हील कर सकती है या मुझे हील कर सकती है, ये मुझे अभी तक आइडिया नहीं है। बट इसके पास ना हीलिंग वाली पावर तो है। ठीक है, ब्लेसिंग ऑफ फ्लावर स्पिरिट लिखा हुआ है, मतलब हीलिंग वाली पावर तो है, इतना तो मुझे पता चल गया है। बट ये किसको हील कर सकती है ना, इसका मुझे उतना ज़्यादा कुछ खास आइडिया नहीं है। चलो अभी फटाफट से यहाँ पे काम चल तो रहा है सबका, सब अच्छे से काम कर रहे हैं। अरे यार वाटर वाले जो पैल्स है ना वो काम नहीं कर रहे अपना। छोड़ो उसको, वहाँ पे काम करने जाने दो। मैं देखता हूँ कि मेरे पास ना फ्रूट यहाँ पे तो नहीं है। इधर ये वाला कौन सा है? अर्थ स्किल फ्रूट, सैंड ब्लास्ट। सैंड ब्लास्ट ये हम किसी को भी सिखा सकते हैं क्या? ये फ्रूट से अटैक कहाँ पे गया? ये वाला अर्थ स्किल सैंड टोर्नेडो, डार्क स्किल। एक मिनट रुक जाओ, क्या मैं ये फ्रूट अगर मैं पेटालिया को खिला दूँ तो क्या उसके पास डार्क अटैक आ जाएगा? जिसके चांसेस कम है थोड़े, बट फिर भी लेट मी चेक। फीड पेटालिया, इसको नहीं खिला सकते हम लोग, इसको नहीं खिला सकता गाइस। मैं इसको वो फ्रूट खिला नहीं सकता, इसके लिए मुझे ग्राउंड टाइप जो फ्रूट है वही चाहिए होगा। ठीक है, ये मैं मर्चेंट वगैरह से भी जो है ना गाइस खरीद सकता हूँ ये वाले फ्रूट्स। ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक काम करते हैं फटाफट से, मुझे यहाँ पे ओके ये सारी चीज़ें उठाने दो। एंड मुझे अभी बॉल्स बनाने, मेरे जो बॉल है ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा खत्म हो चुके हैं। आपको गाइस नई बॉल्स हमारी कैसी लग रही है ज़रूर बता देना। ठीक है, मेरे बॉल्स खत्म हो चुके हैं, मुझे बॉल्स बनाने। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास गीगा स्पेयर बस 10 बचे हैं और मेगा स्पेयर जो है वो 3 ही बचे। और अगले एपिसोड में हम लोग एक और बॉस को मारने के लिए यहाँ पे जाने वाले। गीगा स्पेयर कितने बना सकता हूँ? मेगा स्पेयर थोड़े बना लेता हूँ एक्स्ट्रा। मेगा स्पेयर के लिए क्या कम पड़ रहा है?
हाँ स्टोन कम पड़ रहा है भाई, स्टोन्स की कमी नहीं है हमारे पास, स्टोन काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास। रुको ये देखो, यहाँ से स्टोन तो मिल जाएगा मुझे, ये देखो 200 स्टोन तो ले लिया मैंने, ठीक है। अबे यार कुछ ज़्यादा ही उठा लिया लग रहा है, ठीक है रुको इसको यहाँ पे ड्रॉप करने दो। अभी स्टोन की मदद से मैं फटाफट से यहाँ पे मेगा स्पेयर थोड़े बना लेता हूँ, 5, ठीक है। एंड ये बनाएगा अपना, ये इसको बनाने दो यहाँ पे मेगा स्पेयर, मैं स्टोन लेके आता हूँ। और 5 से गाइस वैसे भी कुछ होने नहीं वाला है, मुझे और ज़्यादा चाहिए होंगे, उसके लिए मुझे वो ब्लू वाले क्रिस्टल जो है ना गाइस वो चाहिए। ये काम ही नहीं कर रहा गाइस कोई यहाँ पे ना इस मशीन पे, वाटर वाला मेरा पैल सारे के सारे वहाँ पे जो है ना गाइस फार्म पे काम करने के लिए जा रहा है ऑटोमेटिकली। रुको ये स्टोन जो है गाइस वो बक्सों में भर के रखने दो, और हमारा जो अंडा है वो भी गाइस ऑलमोस्ट हैच होने वाला है, सो उसको भी ज़रा चेकआउट कर लेते। 15 मेरे पास है वैसे, ठीक है ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एंड हमारे पास एक ये वाला जो अंडा है ना, रुको 2 अंडे पड़े हुए, कॉमन एक पड़ा हुआ है, ठीक है रुक जाओ गाइस मैं फटाफट से इस अंडे को हैच कर लेता हूँ। कंप्लीट हो चुका है गाइस इसका इंक्यूबेशन, इसको मैं फटाफट से हैच कर लेता हूँ, ठीक है। क्या निकल रहा है इसमें से, हंग यू, ठीक है। एक नया पाल मिला, इसमें एक और अंडा डाल देता हूँ। इसने स्पेयर बना लिया, और बनाने के लिए क्या चाहिए, आयरन इनगट्स कम पड़ रहे हैं अभी तो हमको, बाकी तो चीज़ें हमारे पास है, इनगट्स की कमी जो है ना गाइस वो हम लोग को रही है। वाटर टाइप कोई पहले यहाँ पे भाई, जिंदगी भर इसी को पानी डालते रहोगे क्या जी, इसको उठा नहीं सकता, इसको उठाता हूँ, इधर आ जा, ठीक है रुको इसको थ्रो करता हूँ उधर, ताकि ये जो गाइस अपना काम है ना वो कंप्लीट कर सके। कांट असाइड क्यों भाई, जाना भाई ऑन अ ब्रेक, ब्रेक पे, जब ब्रेक पे तो भाई नहीं डाल सकता, रुको इसको उठाता, इधर आइए वाटरिंग, अरे आया ना, आ जा आ जा आ जा, अरे पानी उधर बाद में डाल, इधर तो आ पहले यार इसको, रुको इधर आ जा, ये किसको बुला रहा भाई, अरे यार इसको उठा ही नहीं पा रहा हूँ मैं, मुझे उस चुटकू को ही डालना पड़ेगा उधर लग रहा है, ठीक है। मुझे आयरन इनगट जो है गाइस वो भी चाहिए होंगे थोड़े, मुझे बॉल्स तो चाहिए क्योंकि अगले एपिसोड में मैं एक और गाइस बॉस कैप्चर करने जा रहा हूँ। रुको मुझे अपनी पूरी इन्वेंट्री जो है ना गाइस वो खाली करने दो फर्स्ट, ओके मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना गाइस अभी चीज़ें लेके आने वाला हूँ, ओके सारी इन्वेंट्री डबल डबल जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पर डालने दो, हीलिंग वाली चीज़ें, दूसरी चीज़ें लाइक ए फेदर ये यहाँ पे, एंड बाकी तो अंडे की भी है मेरे पास, यार मेरे पास जगह नहीं है चीज़ें रखने के लिए, समझ रहा हूँ लिटरली मेरे पास जगह ही नहीं है चीज़ें रखने के लिए यहाँ पे यार। ओके वो नया वाला जो पैल निकला है ना उसको भी देख लेते हैं, आ जा भाई तू इधर, गाइस नए वाले पैल को देखता हूँ, मेरे को जो नया वाला पैल अभी आया ना उसको ज़रा चेकआउट कर लिया जाए। ये रहा ये पैल, क्या चीज़ है भाई, अजीब सा पैल है भाई, क्लास क्या है ये, ग्राउंड टाइप पैल है, ठीक है ग्राउंड टाइप पैल है, ओके फार्मिंग कर रहे। देखो ये वाला नया पैल जो है वो हम लोग को मिला, अजीब सा है भाई यहाँ पे, मुझे तो लगा पहले घोस्ट टाइप है लेकिन वो ग्राउंड टाइप है। चलो भाई अभी फिलहाल के लिए तो उसको हम लोग भाई यहाँ पे रखेंगे। एंड मुझे जो है ना कहीं सुअर चाहिए होगा, मुझे सुअर को लेके जाना पड़ेगा गाइस यहाँ पे, ये रहा ना सुअर, मैं सुअर को लेके जाके ना काफ़ी सारे इनगट्स तोड़ के लेके आ जाता हूँ, उनको सुअर को लेके जाके ना इनगट्स तोड़ के लाने, इधर आ जा सुअर, ताकि हम लोग जो ना गाइस बॉल बना सकें, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं कैप्चर करने के लिए जाने वाला हूँ इसको, पेन किंग जो है ना गाइस अभी फिलहाल के लिए 1 घंटे के लिए भाई उस पर छुट्टी पे गया था, बट अभी 1 घंटा उसका खत्म होने वाला है लग रहा है, सो अगले एपिसोड में हम लोग पेन किंग को जो है ना गाइस इजीली कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अबे कहाँ पे जा रहा है भाई, ठीक है रुको मैं थोड़ा सा जो ना गाइस यहाँ पे रिसोर्सेस इकट्ठा करता हूँ फटाफट से। Three days later. चलो मैंने काफ़ी ज़्यादा आयरन जो ओर्स होते हैं गाइज वो इकट्ठा कर लिए, अभी उनको पिघलाने के लिए मैं डाल देता हूँ वहाँ पे, ठीक है
हमारा काम जो है गाइस वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। मैंने काफ़ी ज़्यादा आयरन ओर जो है गाइस वो इकट्ठा कर लिया है। अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं एंड भाई नीचे उतर जा, इधर आओ, इधर थोड़े से ओर बनाने के लिए डाल देता हूँ 29। ठीक है, लगभग भाई 60 जो है गाइस आयरन ओर हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं। अभी सुअर को गाइस हम लोग यहाँ पे इसके अंदर वापस से डाल देते हैं। डन 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 डन, चलो नाउ अभी मुझे यहाँ पे बॉल्स तो बन जाएगी यार, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पहले तो जो अपना वो है उसको रिपेयर करने दो, वो और इसको रिपेयर करने दो, ये रिपेयर्ड। जो वो है उसके लिए नेल्स चाहिए होगी, रुको इसको कैंसिल कर लो अभी फ़िलहाल के लिए। तो मुझे नेल चाहिए, ज़्यादा नहीं बस दो ही नेल चाहिए। क्राफ्टिंग स्पीड इसकी ज़्यादा है ना, इधर काम कर ले भाई, कर रहा है ना काम। हाँ ठीक है चलो, इसके साथ मिल गए फटाफट से नेल्स जो है जो बना के अपनी बो को भी रिपेयर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सो ये अपनी बो जो है जो रिपेयर, आयरन इंगट चाहिए होंगे थोड़े और, थोड़े से और आयरन इंगट चाहिए होंगे अगर मुझे बो को रिपेयर करना है। एक्स रिपेयर करने में शायद से सारे ख़त्म हो गए। चलो बन रहे गए आयरन इंगट्स अभी यहाँ पर फिलहाल के लिए तो, एंड इसकी मदद से हम लोग ईजीली यहाँ पर रिपेयर कर सकते हैं इसको। शील्ड को भी रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, डन डना डन डन, सारी चीज़ें जो है गाइस वो हम लोग ने यहाँ पे अभी रिपेयर कर ली है। एंड अभी गाइस थोड़े से बॉल्स भी हम लोग बना सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए तो दो ही बना पा रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। मुझे गाइस आयरन इनगट जो है ना गाइस उसके फार्म के लिए एक जगह ढूंढनी पड़ेगी। मैं अगले एपिसोड में गाइस एक काम करूँगा, अभी फिलहाल के लिए मुझे अंडा जो है ना गाइस वो हैच करने दो यहाँ पे। ठीक है, मैं अगले एपिसोड में, ओ यहाँ पे मुझे भाई वो मिल गया फिल्डर भाई। ठीक है, यहाँ पे एक अंडा डाल देता हूँ, उनको अंडा मेरे इन्वेंट्री में नहीं है ना, रुको एक अंडा डाल दूँ एंड यहाँ पे थोड़ा सा क्लोथ्स बनाने के लिए डाल दूँ। ठीक है, वहाँ पे एक अंडा एच करने के लिए डालता हूँ। मैं अगले एपिसोड में अपना अनलिमिटेड जो गाइस आयरन फार्म है गाइस, आयरन ओर फार्म, वो बनाने वाला हूँ। ठीक है, बस अगला एपिसोड आप चेकआउट कर लेना, उसमें हम लोग जो है ना गाइस आयरन ओर फार्म बनाते हैं ताकि वहाँ से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा आयरन ओर जो है गाइस वो मिल सके। वरना यहाँ पे ऐसे भाई आयरन और इकट्ठा करते करते हमारे एपिसोड्स निकल जाएंगे। मैं जो ना कि थोड़ा गूगल बाबा पे जाके ना रिसर्च करके आऊँगा और वहाँ से हम लोग आयरन और सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं वो वाली लोकेशन निकालेंगे और वहाँ पे आयरन और फार्म जो है वो तुम्हारा भाई बनाएगा। अभी फिलहाल के लिए ये वाला हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब देख ले बाबा, जाते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। But it's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then